हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ एक और मैंगो केक की डिज़ाइन। चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले मैंगो कट करके उसकी प्यूरी बना ली है, क्योंकि हम यहाँ पर किसी जेल या कलर का यूज़ नहीं करने वाले हैं। ये फ्रेश मैंगो प्यूरी है, आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल सा कलर आया है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं यहाँ पर 1 kg का केक बना रही हूँ, और ये एक एनिवर्सरी के लिए था। तो सबसे पहले मैंने केक को लेयर्स में कट कर लिया है, और उसके बाद में हम उसकी कर रहे हैं आइसिंग। मैंने पहले भी मैंगो केक की डिज़ाइंस शेयर की हुई हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट लेयर में क्रीम लगाने के बाद हम उसमें डालेंगे मैंगो प्यूरी। आप चाहें तो यहाँ पर क्यूब्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से फैला लेंगे, और अब इसके ऊपर हम दूसरी लेयर रखेंगे। इसी तरीके से हम केक की सारी लेयर्स को अरेंज कर लेंगे। और अब फाइनल लेयर लगाने के बाद में सबसे पहले हम इसे साइड से क्रम कोट करेंगे। क्रम कोट करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप केक पर ऐसे ही आइसिंग करना शुरू कर देंगे तो जो केक के क्रम्स हैं ना, वो आपकी मेन आइसिंग में दिखाई देंगे, और वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आप ध्यान रखिए, पहले क्रम कोट कर लेते हैं और इसके बाद में उसकी फाइनल आइसिंग करेंगे। केक को अच्छे से क्रीम से कवर करने के बाद में हम उसे स्मूथ कर लेंगे। अगर आप केक बनाना सीखना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप बहुत ही आसानी से ऑनलाइन इन सब चीज़ों को देख के सीख सकते हैं, और मैंने भी ऐसे ही सीखा है। अब इसका कर लेते हैं डेकोरेशन। डेकोरेशन के लिए भी मैं सिर्फ ये मैंगो प्यूरी यूज़ कर रही हूँ, इसमें कुछ भी एडिशनल नहीं है। खाने में तो टेस्ट इसका अच्छा आता ही है, दिखने में भी लुक बहुत अच्छा लगता है। मैंगो प्यूरी से मैं हाफ केक को ऊपर से कवर कर रही हूँ, और हल्के से ड्रिप दे रही हूँ। ड्रिप देना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, इसके पहले भी मैंने केक में ये चीज़ बताई थी, लेकिन आप थोड़ा आराम से और पेशेंस के साथ में करेंगे तो आप ये ज़रूर कर पाएंगे। तो ये मैंने ड्रिप यहाँ पर दे दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आपको ये फैलाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप न्यूट्रोजेल का यूज़ कर सकते हैं, उसमें कलर ऐड करिए मैंगो कलर, और उसको स्प्रेड कर लीजिए, वो आप आसानी से कर सकते हैं। ड्रिप देने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन बना रही हूँ, क्योंकि एक ये एनिवर्सरी केक था तो मुझे इसका लुक थोड़ा चेंज चाहिए था, एकदम सिंपल नहीं चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पर मेल्टेड चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ। मैंने चॉकलेट को मेल्ट किया है और उसे पाइपिंग बैग में फिल करके मैं हल्की सी डिज़ाइन दे रही हूँ। आप यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैंने बनाया है वही आप ट्राई करें। बहुत ही आसान है ये बनाना, सिर्फ हाफ सर्कल बनाने हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक लिया है टूथपिक, और टूथपिक की हेल्प से एक हल्की सी लाइन दे के मैंने उसके लुक को थोड़ा चेंज किया है। ये डिज़ाइन आपने बहुत जगह पर देखी होगी, चॉकलेट के साथ में अक्सर हम इस तरीके से डिज़ाइंस बनाते रहते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद में अब ये जो लाइंस हैं उसके ऊपर मैं यहाँ पर रख रही हूँ मैंगो क्यूब्स। आपको ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर मैंगो क्यूब्स को न्यूट्रोजेल में डिप नहीं किया है, इसका मतलब हम इनको बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते। तो अगर आप इस तरीके से बना रहे हैं, तो मैंने पहले भी बताया था कि इस तरीके से बनाने से जो फ्रूट्स होते हैं उनका कलर चेंज होने लगता है, तो अगर आप ये तुरंत यूज़ करते हैं खाने के लिए तब तो अच्छा है। अगर आप ज़्यादा टाइम तक इस तरीके के केक रख रहे हैं तो आप उनको न्यूट्रोजेल में ज़रूर डिप करिएगा। अब मैंने यहाँ पर साइड में हल्का सा बॉर्डर दिया हुआ है, जिससे केक का लुक बहुत ही अच्छा आ गया है, आप देख सकते हैं। मैंगो क्यूब्स के साथ ही मैं यहाँ पर कुछ मिंट लीव्स भी लगा रही हूँ। येलो और ग्रीन का कलर बहुत ही अच्छा लगता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप नॉर्मली किसी भी केक में अगर मिंट लीव्स का यूज़ कर रहे हैं तो केक का लुक बहुत चेंज होता है। थोड़ी सी मैं यहाँ पर बीट्स यूज़ कर रही हूँ, ये सिल्वर बीट्स हैं, इससे भी केक का लुक बहुत अच्छा आता है। तो ये रहा दोस्तों हमारे मैंगो केक का फाइनल लुक, और आप देख सकते हैं दिखने में बहुत ही सुंदर है, उसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। कोई नहीं बोल सकता कि आपने यहाँ पर सिर्फ मैंगो प्यूरी का यूज़ किया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।